Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. We are studying the P block elements, right? And in that we are discussing about the 16 group element, okay? In the P block we are discussing about the 16 group. We already complete oxygen in the last lecture, right? Now today we are going to start a sulfur, okay? So हमें सल्फर के जो भी कंपाउंड है उनके बारे में वन बाय वन स्टडी करना है, उनकी प्रॉपर्टी देखनी है, प्रिपरेशन देखनी है, यूजेस देखना है, ओके? तो आज इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एलोटॉप्स ऑफ सल्फर, ओके? हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? एलोटॉप्स ऑफ सल्फर, ओके? चलो, एलोटॉप्स क्या है? तो एलोटॉप्स वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ओके, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं एलोटॉप्स, ओके। अगर आप कार्बन के एलोटॉप्स की बात करो तो वो कौन कौन से हैं? डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है। अगर आप डायमंड एंड ग्रेफाइट को कंपेयर करो, यू विल सी दैट कि डायमंड काफ़ी हार्ड है जबकि आप ग्रेफाइट को इजीली ब्रेक कर सकते हो, ओके। तो उसका जो हमारा ग्रेफाइट है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो डायमंड है, इट इज़ अ इंसुलेटर, राइट, एक्ट एज अ इंसुलेटर। मतलब कि वो डायमंड भी किससे फॉर्म हो रहा है? पूरे कार्बन एटम से, और ग्रेफाइट भी किससे फॉर्म हो रहा है? कार्बन से। लेकिन उसकी अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस होता है, ड्यू टू दैट उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका शेप, उसका कलर, सही है, उसकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो हमें आज उसी तरह जो सल्फर के एलोट्रॉप है उसके बारे में स्टडी करना है, ओके। तो वन बाय वन हम उसके एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करते जाएंगे। तो फर्स्ट एलोट्रॉप्स है सल्फर का, वो है रोम्बिक सल्फर, ओके। फर्स्ट एलोट्रॉप है रोम्बिक सल्फर, ओके। चलो, तो रोम्बिक सल्फर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। इट इज मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर, ओके। कि जो हमारा रोम्बिक सल्फर है वो कैसा है? तो एक तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ओके। कि जितने भी आप उसके एलोट्रॉप्स देखोगे उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है? रोम्बिक सल्फर है। और दूसरा वो कॉमन फॉर्म है, ओके। सबसे ज़्यादा जो हमें नेचर में भी एग्जिस्टेंस होगी वो किसकी होगी? रोम्बिक सल्फर की होगी, ओके। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर, ओके। उसे और क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। किसे? तो जो हमारा रोम्बिक सल्फर है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फा सल्फर, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ पेल येलो इन कलर, जैसे कि हमने बात की कि उसका कलर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो जो हमारा रोम्बिक सल्फर है उसका कलर क्या होता है? पेल येलो होता है, ओके। तो उसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं, इट इज हैविंग अ पेल येलो कलर, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर and dissolves in organic solvent, सही है। जो हमारे सल्फर के एलोट्रॉप्स है वो वाटर में क्या होंगे? इनसॉल्युबल। बट अगर आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हो, कार्बन डाइसल्फाइड या कोई भी, तो उसमें वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, ओके। सो इनसॉल्युबल इन वाटर, डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
Okay. The next point is, its melting point is, its melting point is 385.8 Kelvin. Okay, 385.8 Kelvin उसका melting point है. आपको main difference तो जो इसकी properties है उसकी में देखने को मिलेगा. ये क्या है, रॉफिंग सल्फर को अल्फा सल्फर भी बोलते हैं. ओके, वो वाटर में इंसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है. मेन उसका जो कलर है वो पेल येलो होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन. ओके, अगर आप रोम्बिक सल्फर को देखोगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर क्राउन जैसा मिलेगा. ओके, क्राउन का आप वन बाई वन के ऊपर एक रखते जाओगे देन यू विल गेट द रोम्बिक स्ट्रक्चर, राइट. तो आप उसके फिगर में ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर. ओके, अगर ये क्राउन है तो इसके आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्राउन में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सही है. यहाँ पे टोटल 8 कॉर्नर्स है और ये सारे जो कॉर्नर्स है वहाँ पे कौन अरेंज हुआ है, तो सल्फर है. ओके, ये जो डॉट से मैंने शो किया है वो क्या है, सल्फर है. और ये किसका शेप है, तो वो हमारा क्राउन लाइक शेप है. ओके, किसके जैसा शेप है, क्राउन जैसा. तो ये हो गया आपका रोम्बिक सल्फर. ओके, आप उसके अंदर ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो वो किसका स्ट्रक्चर है, तो ये है हमारे रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर. ओके, रोम्बिक सल्फर. ओके, तो ये होगा रोम्बिक सल्फर. आप इसे वन के वन बाई वन एक के ऊपर एक रखते जाओगे देन यू विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस. वो हो गया हमारा रोम्बिक सल्फर. ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है. ओके, तो ये पहला एलोट्रॉप हो गया किसका, सल्फर का, रोम्बिक सल्फर. नाउ द सेकेंड फॉर्म इज मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, मोनोक्लिनिक सल्फर. ओके, पहला था हमारा एलोट्रॉप रोम्बिक सल्फर, जो दूसरा है वो हमारा है मोनोक्लिनिक सल्फर. ओके, इट इज स्टेबल ओनली, इट इज स्टेबल ओनली अबोव 369 केल्विन. ओके, 369 केल्विन के अबोव टेम्परेचर भी ही वो क्या हो जाएगा, तो स्टेबल होगा. Stable above 369 Kelvin. Okay. Now it is the amber yellow in color. It is amber yellow in color. मतलब कि थोड़ा सा dark है. Okay. वो कैसा है? Dark yellow है. तो जो हमारा rhombic sulfur था उसका pale yellow था. इसका कैसा है? Amber yellow color है. Okay. The next point is it is also called beta sulfur. Okay, कि जो हमारा monoclinic sulfur है उसे आप क्या बोल सकते हो, it is also known as a beta sulfur. जो rhombic sulfur था उसे बोलते हैं alpha sulfur, इसे बोलेंगे हम beta sulfur. Okay, it is insoluble in water. In water and soluble in carbon disulfide. Okay, कि वो water में rhombic sulfur की तरह ही water में insoluble है, लेकिन soluble है कि इसमें organic solvent में या फिर carbon disulfide में. Okay, and next point is it has a long needle shape. It has long needle shape crystal. Okay, उसका crystal कैसे जैसा होता है, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा rhombic sulfur था उसका crystal crown like था. ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा नीडल शेप स्ट्रक्चर मिलेगा. ओके, यहाँ पे जो मोनोक्लिनिक का हमारा सल्फर है उसका स्ट्रक्चर होता है किसके जैसा, तो नीडल जैसा. ओके, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज
393 केल्विन। ओके, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 393 केल्विन। आई बात समझ में? ओके, नाउ सी, यू कैन सी हियर कि ये एक निडल टाइप स्ट्रक्चर है और ये हमारा कौन सा है? तो मोनो क्लिनिक सल्फर। ओके, जितने भी आपको कॉर्नर्स देखेंगे वहां पे क्या होगा? तो हमारा सल्फर प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर। अब इन दोनों के बीच की जो मेन बात है, वो मेन चीज क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, जो हमारा रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर, ओके, और जो हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर, उन दोनों को हम एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जो हमारा मोनोक्लिनिक रोम्बिक सल्फर है वो कन्वर्ट होगा। अगर रोम्बिक सल्फर को आपको कन्वर्ट करना है मोनोक्लिनिक में, ओके, देन यू नीडेड अबोव 369 केल्विन। ओके, अगर 369 केल्विन से आप ज़्यादा टेम्परेचर करते हो, देन रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मोनोक्लिनिक में। अगर आप को मोनोक्लिनिक सल्फर को रोम्बिक में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना हो जाएगा? बिलो 369 केल्विन यू हैव टू मेंटेन अ टेम्परेचर। ओके, तो बिलो 369 हमारा रोम्बिक सल्फर रहेगा, जबकि अबो 369 हमें मिलेगा मोनोक्लिनिक सल्फर। ओके, तो ये दो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अब जो तीसरा हमारा एलोट्रॉप है सल्फर का, वो है प्लास्टिक सल्फर। ओके, जो हमारे पहले दो थे एलोट्रॉप, ओके, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, तो वो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि हमारा प्लास्टिक सल्फर है वो कौन सा फॉर्म है? उसका एमोरफोस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एमोरफोस फॉर्म है। ओके, नाउ उसके बारे में हम देखते हैं। इट इज ऑब्टेंड बाय पॉरिंग बॉइलिंग सल्फर इन कोल्ड वाटर। ओके, कि जब आप कोल्ड वाटर में बॉइल होता हुआ सल्फर डाल दोगे, ओके, तो अचानक से कूल हो जाएगा और उसी कंडीशन में यू विल गेट द प्लास्टिक सल्फर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज एमोरफोस फॉर्म ऑफ सल्फर। ओके, जैसे कि हमने बोला कि वो क्या है? एमोरफोस फॉर्म है, जबकि जो पहले दो थे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म थे। ओके, वो फॉर्म होता है पोरिंग बॉइलिंग सल्फर इन कोल्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमा सल्फर। ओके, उससे क्या बोला जाता है? गैमा सल्फर भी बोला जाता है। रोम्बिक सल्फर को बोला जाता है अल्फा, मोनोक्लिनिक को बोला जाता है बीटा, और जो हमारा प्लास्टिक सल्फर है उसे बोला जाता है गैमा सल्फर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, इट डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, हमें पता है वो क्या है? एमोरफोस टाइप का सॉलिड है, और जब भी एमोरफोस सॉलिड है उसका कभी भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है। ओके, जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट पॉसिबल है, तभी हमने देखा कि जो रोम्बिक सल्फर है उसका और जो मोनोक्लिनिक सल्फर है इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पॉसिबल है। ओके, हमने देख लिया, साथ में बॉइलिंग पॉइंट देखा, लेकिन इन द केस ऑफ प्लास्टिक सल्फर हमें कोई भी शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्योंकि वो एमोरफोस सॉलिड है उस वजह से। इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, बट
इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके। जो हमारे सारे एलोटॉप्स ऑफ सल्फर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है बट वाटर में इनसॉल्युबल है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी सारे के सारे एलोटॉप्स के लिए सेम है, ओके। नाउ इसके अलावा भी हमारे जो सल्फर है उसके एलोटॉप्स है, ओके। तो फोर्थ वाला जो एलोट्रॉप है वो है साइक्लिक S6, ओके। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो साइक्लिक S6 हैज अ चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर, ओके। जो आपके मोनोक्लिनिक थे और रोम्बिक सल्फर थे वो S8 वाले थे, जबकि ये जो हमारा साइक्लिक है वो क्या है, हमारा S6 वाला है, ओके। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि चेयर जैसी फॉर्म होती है, ओके। और ये जो सारे पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट 2, 3, 4, 5 और 6, और उन्हीं सारे 6 पॉइंट पे क्या होता है, तो सल्फर होता है। तो ये हो गया हमारा एक और फॉर्म ऑफ सल्फर, ओके, एलोट्रॉप्स ही बोलेंगे हम उसे। और जो दूसरा एलोट्रॉप है वो है S2 मॉलिक्यूल, ओके, के जो हमारा सल्फर है वो S2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ओके। जो सल्फर है मोस्टली S8 के फॉर्म में होता है, लेकिन उसका S6 वाला भी एक चेयर फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है। और दूसरा वो S2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे इतने S2 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। S2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट अबोव 100 केल्विन, राइट, एंड इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ओके। टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके, मतलब जो हमारा सल्फर है उसके 5 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है, मेनली 2 है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ओके, जो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर दैट प्लास्टिक सल्फर आता है जो कि हमारा एमोरफोस फॉर्म है, ओके। उसके बाद S6 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और साथ में S2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बट अबोव द 1000 केल्विन टेम्परेचर, ओके। तो ये आपके हो गए एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। साथ में हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ सल्फर, ओके, कि हमें जो है सल्फर को इतने डिटेल में स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, तो उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कि उसका यूजेस क्या है, ओके। तो यूजेस ऑफ सल्फर, कि सल्फर को स्टडी करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ओके। तो फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ SO2, H2SO4, गन पाउडर, फायरवर्क्स, मैचस्टिक एक्सेट्रा, राइट। हमें पता है कि गन पाउडर में सल्फर फिलअप किया जाता है, जो फायरवर्क्स होते हैं, जो हमारे क्रैकर्स होते हैं उसके अंदर सल्फर होता है, ओके, हम जैसे दारू गोला बोलते हैं, ओके। फिर ये मैचस्टिक का जो ऊपर का ब्लैक पोर्शन होता है उसमें सल्फर होता है, SO2 फॉर्म करने के लिए सल्फर यूज़ होता है, H2SO4 फॉर्म करने के लिए सल्फर यूज़ होता है, ऐसे बहुत सारे यूजेस है सल्फर के, ओके। फिर दूसरा यूज है, इट इज़ यूज्ड इन
used in वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. ओके, जो हमारा नेचुरल रबर होता है, ओके, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन. तो उसी के दौरान सल्फर यूज होता है. ओके, वल्केनाइजेशन इन ऑफ रबर में हमारा सल्फर यूज होता है. दूसरा वो यूज होता है, इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एंड एज ऑइंटमेंट फॉर क्योरिंग स्किन डिजीज. ओके, जो स्किन डिजीज के लिए ऑइंटमेंट फॉर्म की जाती है उसमें एज अ एंटीसेप्टिक उससे ऐड किया जाता है. ओके, तो ड्यू टू दैट मेन यूजेस सल्फर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसी के बारे में स्टडी करनी है. आफ्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड इन अ डिटेल. ओके, एंड ऑल्सो अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ डिटेल. ओके, ये दोनों उसके मेन दो कंपाउंड है. तो उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप अ मैसेज ऑन अ कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू.